सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मैं ब्रिगेडियर सत्यदेव, चेयरमैन गुरुकुल मटिंडू। मैं तकरीबन 10 साल से इस संस्था को देख रहा हूं और अभी नया साल शुरू होने वाला है और नए साल के उपलक्ष्य में मैं सभी इलाके के ग्रामवासियों को और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आपके लिए खुशियां लेके आए और आपके लिए तरक्की का अवसर आपको सब मिले। मैं विद्यार्थियों को एक अपनी तरफ से अपने अनुभव के अनुसार एक संदेश देना चाहता हूं। वो ये है कि बच्चे गलत काम से दूर रहें, ड्रग से दूर रहें, शराब वगैरह से दूर रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें और साथ साथ ये ध्यान रखें कि बुजुर्गों का भी सम्मान करें और उनकी देखभाल करते रहें। खरखोदा में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति सप्ताह में किसी भी दिन अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सके। मंगलवार को मेडिकल कराने का दिन निर्धारित है, बुधवार को फर्स्ट एड प्रमाण पत्र का दिन निर्धारित है, बुधवार को लाइसेंस। कर्मचारी को प्रशासन ने यहां पर मनमाना रेस्ट सौंपा हुआ है, ऐसे में लोगों को लर्निंग लाइसेंस के लिए 3 दिन खराब करने पड़ रहे हैं। मंगलवार को मेडिकल बनवाने के लिए आने वाले लोगों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब अस्पताल में डॉक्टर छुट्टी पर मिला। लर्निंग के लिए मेडिकल कराने पहुंचे ग्रामीणों ने पहले तो अस्पताल में प्रदर्शन किया, इसके बाद खरखोदा उपमंडल कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिनमें सुरेंद्र, नरेश, दीपक, राहुल, विकास, विनय, प्रदीप, राजकुमार का कहना है कि पहले लाइसेंस किसी भी दिन बनवाया जा सकता था और लोगों को अस्पताल में भी रोजाना मेडिकल जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब केवल मंगलवार को डॉक्टर यहां पर सुविधाएं दे रहे हैं जबकि मेडिकल कराने के लिए रोजाना सुविधा मिलनी चाहिए। इसी तरह से कर्मचारियों को बुधवार की छुट्टी क्यों की गई जबकि शनिवार को क्लर्कों की छुट्टी ही रहती है। जैसे ही शिकायत SDM श्वेता सुहाग के पास पहुंची तो उन्होंने मेडिकल परीक्षण के लिए दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था करवाई, जिसके बाद लर्निंग करवाने वालों के मेडिकल प्रमाण पत्र बनाए गए। खरखोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। लाइसेंस के लिए मेडिकल करवाना था, पहले तो मैं बुधवार ना आया, फिर एक हफ्ते के बाद आया तो नहीं, दिन तो मंगलवार फिक्स किया जी, फिर बुधवार को आने का क्या फायदा। हाँ तो फिर जब मंगलवार को आ जाया तो कोई है ही नहीं। सोनू राणा है, सोटी से हूँ मैं, यहाँ मेडिकल के लिए आया था। मेडिकल के लिए डॉक्टर को इश्यू किया गया 4 हफ्ते महीने में 4 दिन के लिए, लेकिन वो मिलते ही नहीं है। पिछले मंगलवार को भी नहीं मिले और आज भी नहीं मिले, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और मेडिकल के लिए SMO के लिए मिले तो SMO बोलते कि हमारे पास परमिशन नहीं है, SDM साहब ने उसको स्पेशल यहाँ पे बिठा रखा है, तो अब हम यहाँ से SDM के पास मिलने के लिए आए। समस्या ये है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, उसके लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, काम टाइम से नहीं हो पा रहा है। और बच्चों की छुट्टी करवा करके बच्चों के साथ आया था मैं, दोनों बच्चों को साथ लेकर के 2 बार से छुट्टी करवा ली, लेकिन बार बार वही परेशान किया जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा था। आपने अपने बच्चों के मेडिकल बनवाना था? हाँ जी, मसला ये है जी, जितने भी खड़े हैं हम मेडिकल के लिए आए थे हॉस्पिटल में, जो कि पहले यहीं हो जाता था, अभी इनको दे दिया गया है SDM दफ्तर में, लेकिन पर्ची तो वहाँ काट दी गई है और पिछले भी हर मतलब महीने में चार बार है, 4 दिन होते हैं जिस मतलब मेडिकल के। किस दिन बैठते हैं? मंगलवार को जी, लेकिन क्या है पिछले मंगलवार को भी नहीं बैठे, अब भी नहीं बैठे। यहाँ कई ऐसे हैं जो अपने सरकारी नौकरी पे छुट्टी लेके आज मेडिकल कराने के लिए आए हैं, काफ़ी परेशान कर दिया गया इन्होंने, कभी भी वहाँ भेज रहे हैं, कभी वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन समस्या किसी भी तरह की भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। किसी को शिकायत की आपने? हाँ जी, SMO के पास गए थे जी हम, उन्होंने फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन बंद कर रहा है, जो डॉक्टर है काफ़ी परेशान कर दिया, अब SDM साहब के पास जाएंगे जी हम। ये है कि मेरे पास सुबह से बहुत सारे बच्चे बड़े आ रहे हैं लाइसेंस तो बनाने के लिए, तो किसी कारणवश प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये लोग जो करने के लिए आते हैं, मेडिकल करने के आते हैं, वो आज छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे होने के कारण और वो उनका दिन एक दिन ही निश्चित किया गया है, उसी दिन वो आएंगे और SDM ऑफिस में बैठेंगे। किसी कारणवश वो आज आ नहीं पाए और इसलिए कोई उनका ऑल्टरनेट है वो भी नहीं हो पाया, तो अभी ये है कि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ अपने लेवल पर, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर यहाँ से हो जाता है खरखोदा CHC से तो मैं उसको करके मैं थोड़ी देर में वहाँ भेज दूँगी SDM ऑफिस में। बाकी ठीक है, कोशिश अपनी जारी है,
पूरा अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि वहाँ मेडिकल ऑफिसर को बुलाए जाए। लेकिन कुछ बच्चे तो ये कह रहे हैं मैम कि पिछले मंगलवार को भी डॉक्टर साहब नहीं मिले। इसके लिए देखिए मैं जो कि इस चीज़ में SDM लेवल और CMO लेवल पे ये बनी हुई है कि भी वहाँ से ही डॉक्टर आएंगे और दूसरी बात वो SDM ऑफिस में बैठेंगे, तो मुझे तो ये पता ही नहीं चला कि भी वो नहीं आया। अगर मेरे को थोड़ी सी भी खबर होती कि वो नहीं आए हैं तो मैं कोई ना कोई प्रयत्न ज़रूर करती। अच्छा मैम, जैसे पिछले आँखों वाले डॉक्टर थे उनके रिटायरमेंट के बाद कोई नया डॉक्टर नहीं मिल पाया, जिससे आँखों वाले वैसे भी बहुत सारे मरीज जो हैं वो परेशान हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें ये है कि पहले तो वो आई स्पेशलिस्ट नहीं है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है? जो आँखों का जनरल चेकअप करने जा कर सकता है, मोतियाबिंद का देख सकता है। बेसिकली वो MS नहीं है आई के अंदर, वो जस्ट एक सहायक है, हेल्पर है, उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। वो है जो एक जनरल जांच कर सकता है और कोई भी ऐसे बड़ी जांच होगी तो उसको वो रेफर कर देता है CMO ऑफिस में। CMO ऑफिस में जो आई सर्जन है उनको देखते हैं, और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आई सर्जन तभी CMO ऑफिस से आए हैं जिनको ये बोला गया है कि इनको यहाँ नहीं बैठना, इनको SDM ऑफिस में जो भी है वहाँ पे से ही चेक वहाँ ही देखे जाएंगे ये। तो अभी जो बच्चे मेडिकल के लिए बाहर खड़े हैं उनके लिए डॉक्टर कब तक अरेंज होने की उम्मीद है मैम? अगर अरेंज हो जाता है तो करीबन 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे, उसमें मैं कोशिश करके छोटी तो नहीं दिला सकती लेकिन हाँ अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी।